दोस्तों वेलकम है आप सभी का औसम ज्ञान में। दोस्तों आप में से ज्यादातर लोगों की ये जानने में दिलचस्पी जरूर होगी कि बियर और वाइन इन दोनों में क्या अंतर होता है और साथ ही इससे मानव शरीर और उनकी हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। साथ ही इन दोनों चीजों को लेकर लोगों के मन में और भी कई सवाल आते हैं, जैसे कि बियर पीने से मोटापा बढ़ता है या फिर वाइन पीने से, और इन दोनों का हमारे हार्ट पर क्या असर पड़ता है, बियर पीने से ज्यादा नशा होता है या फिर वाइन पीने से, और हैंगओवर किससे होता है। दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा जरूर देखें। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे दोस्तों आप में से कितने लोग ये पहले से जानते हैं कि बियर और वाइन में क्या अंतर होता है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आपको बता दूं कि बियर के 1 पॉइंट यानी कि लगभग 568 ml में और वाइन के एक मीडियम ग्लास यानी कि 175 ml में अल्कोहल की जो मात्रा होती है वो लगभग एक समान होती है। दोस्तों जो बियर होती है उसे बनाने में गेहूं, जौ और मक्का जैसे अनाजों का इस्तेमाल किया जाता है, और बियर बनाने में इन अनाजों का आंशिक रूप से किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन किया जाता है, और फिर इसे अच्छी तरह से बनने में 1 से 2 सप्ताह का समय लग जाता है, और एक बियर में अल्कोहल की मात्रा 30 से 30% तक हो सकती है। और साथ ही आपको बता दूं कि जर्मन बियर को पूरी दुनिया में सबसे अच्छी बियर माना जाता है, और जबकि जो वाइन होती है ये भी एक प्रकार की शराब होती है, और इसे बनाने में फलों के रस का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें अल्कोहल की मात्रा 9 से 18% तक हो सकती है, और वाइन को बियर के जैसे ही फर्मेंटेशन करके तैयार किया जाता है। और रंगों के आधार पर वाइन 2 प्रकार की होती है, रेड वाइन और व्हाइट वाइन। दोस्तों वाइन या बियर का असर आप पर तभी होता है जब अल्कोहल आपके ब्लड में मिल जाता है, और ये किस स्पीड से होता है ये काफी हद तक आपकी ड्रिंक और उसे कितने समय से पिया जा रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के साउथ वेस्टर्न के मेडिकल सेंटर में 15 लोगों के ग्रुप को अलग अलग दिनों में अलग अलग ड्रिंक्स पीने को दी गई, और साथ ही उन्होंने यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखा कि हर आदमी को उसके वेट के मुताबिक ही अल्कोहल दी जाए, और उन सभी 15 लोगों को एक ही रफ्तार में ड्रिंक खत्म करने को कहा करीब 20 मिनट में। दोस्तों इस प्रयोग में ये देखा गया कि हार्ड ड्रिंक्स यानी कि शराब सबसे जल्दी ब्लड में मिलती है, और फिर बियर वाइन पीने के 54 मिनट के बाद ब्लड में अल्कोहल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, और बियर पीने के 64 मिनट के बाद ब्लड में अल्कोहल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। और इसका मतलब यह है कि वाइन के ग्लास का नशा बियर के पॉइंट के मुकाबले ज्यादा तेजी से दिमाग पर चढ़ता है। इसके अलावा बियर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसके सेवन से मोटापा बढ़ता है, और ये काफी हद तक सही भी हो सकता है। ड्रिंक्स को बेहतर स्वाद देने के लिए इसमें इस्तेमाल की जाने वाली चीनी को अगर छुड़ भी दिया जाए तो अल्कोहल में ही खासी कैलोरी होती है। दोस्तों 180 कैलोरी वाली बियर के पॉइंट में वाइन के छोटे ग्लास की तुलना में 50% ज्यादा एनर्जी होती है, और जो आपका मोटापा बढ़ा सकती है। लेकिन कम वाइन या बियर पीने वालों के लिए ये अंतर ज्यादा मायने नहीं रखता है, और हाल ही में हुए एक रिसर्च के मुताबिक शॉर्ट टर्म में ना तो वाइन पीना मोटापा बढ़ाता है और ना ही बियर पीना। इसके अलावा एक धारणा ये भी है कि बियर पीने से पुरुषों की छाती फूलती है, लेकिन आपको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है। अब सवाल आता है कि बियर पीने से ज्यादा हैंगओवर होता है या फिर वाइन पीने से, तो आपको बता दूं कि काफी रिसर्च करने के बाद भी रिसर्चर्स इसके बारे में सही से कुछ भी नहीं कह सके हैं, यानी कि ये किन चीजों पर डिपेंड करता है इसका वैज्ञानिक अभी भी पता नहीं लगा पाए हैं। यहाँ डिहाइड्रेशन एक प्राइम फैक्टर हो सकता है। अल्कोहल की वजह से लोग टॉयलेट ज्यादा करते हैं, और जितना पानी बॉडी में जाता है उससे ज्यादा बाहर निकल जाता है, लेकिन ऐसा फर्मेंटेशन के चलते भी हो सकता है। इसके अलावा ड्रिंक के टेस्ट और स्मेल को चेंज करने के लिए इसमें केमिकल भी मिलाए जाते हैं, और माना जाता है कि गहरे रंग वाले ड्रिंक्स में ऐसे केमिकल ज्यादा मिलाए जाते हैं। बोरवन जो कि 51% मॉल्ट वाली शराब है और जो गहरे रंग की होती है, और इसका हैंगओवर भी ज्यादा होता है। लेकिन आपको बता दूं कि बियर और वाइन से होने वाला हैंगओवर एक समान ही होता है। अब आखिरी में सवाल ये आता है कि हमारी हेल्थ के लिए वाइन पीना अच्छा है या फिर बियर। दोस्तों यूजली कहा जाता है कि वाइन का रोजाना एक ग्लास शरीर को तरोताजा रखने में मददगार होता है, और साथ ही ऐसे भी कहा जाता है कि इसका ऐसे सेवन करने से हृदय रोग के खतरे, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों के खतरे से बचा जा सकता है। आपको बता दूं कि हमारी बॉडी को फायदे पहुंचाने वाले ये गुण पॉलीफेनॉल्स में होते हैं, और जो खासकर रेड वाइन में पाए जाते हैं। बॉडी में कहीं पर भी सूजन हो ये उसे कम करते हैं और शरीर के हानिकारक रसायनों को दूर करते हैं। बियर में ऐसे बहुत से गुण नहीं होते लेकिन उसमें भी पॉलीफेनॉल्स होते हैं, उसी तरह जैसे कि व्हाइट वाइन में होते हैं, लेकिन इस लिहाज से रेड वाइन सबसे बेहतर है। हालांकि इन तमाम स्टडी में किसी भी ड्रिंक्स के ज्यादा पीने को हानिकारक ही माना गया है, और कभी कभी एक ग्लास रेड वाइन पी जाए तो इसके फायदे जरूर हो सकते हैं। तो दोस्तों बियर और वाइन से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं,
और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।